उठने के बाद गाना कैंसिल हो गया, थोड़ा सा क्राउड का ज्यादा हुजूम बढ़ गया, मुझे लगता है जी 50,000 की क्राउड आ गई रोड पे, तो हम गाना शूट नहीं कर पाए। तो हम लोग कल उस गाने को शूट किए, बड़ा मजा आया। कल भी मुझे लगता है कि इन्होंने एक गाने पे कम से कम 7 से 8 लाख रुपए खर्चा किए, तो ये मायने रखता है और इनकी ईमानदारी है अपने सिनेमा को लेके, तो ये अच्छा लगता है। मोहन जी तो जानते हैं कि जितने भी जा रहे हैं पैसे वापस आ ही जाएंगे, क्योंकि खेसारी जी हैं, पिक्चर हिट होने की तो गारंटी होगी। क्या कहना चाहते हैं? इनका विश्वास मेरे लिए, समझ लीजिए कि मेरे लिए वरदान है कि इनका विश्वास में मैं हूँ, और मैं इन्हीं के विश्वास में नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी प्रोड्यूसर मेरे साथ काम किए हैं वो मुझे रिपीट किए हैं, तो अगर उनको लॉस होता तो शायद वो मुझे रिपीट नहीं करते। अगर हम लॉस उनको देते तो फिर दोबारा हमारे साथ काम क्यों करते? तो मुझे लगता है कि मैं अपने करियर में जितनी सिनेमा किया हूँ उनके साथ 1-2-3 सिनेमा किया हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं किया हूँ। हाँ, जिनको मैं नहीं मिलता हूँ, जिनके साथ काम नहीं करता हूँ, उनके लिए मैं फ्लॉप एक्टर हूँ, उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनके नज़र में लगता है कि खेसारी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बट कोई नहीं, मेरे मुझे अस्तित्व उनके मन में नहीं, उनके दिल में नहीं, मुझे अस्तित्व अपने जनता के दिल में होना चाहिए जो मुझे इतना प्यार करती है, और मैं बड़ा खुश हूँ अपने जनता से। डायरेक्टर साहब से पूछते हैं, ये बताइए कि खेसारी को डायरेक्ट करना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? खेसारी जी के साथ में सबसे पहली बात ये है कि खेसारी जी एक एनर्जी मशीन है, इनसे जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, इतने ज़्यादा मेहनती है ये, इनसे मेहनत सीखने की ज़रूरत है हम सब, इतना सारी चीज़ें इतने पीक पीरियड में और इसने पीक टाइम पर रहने के बावजूद भी वो इतनी मेहनत करते हैं, गाने बनाना, स्क्रिप्ट में इन्वॉल्वमेंट रखना, स्टोरी में इन्वॉल्वमेंट रखना, तो कहीं ना कहीं खेसारी जी के साथ मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि पूरा एनर्जी लगा देते हैं, और साथ साथ में अगर कोई सुस्त आदमी हो वो भी एनर्जेटिक बन जाता है खेसारी जी के साथ। चलिए म्यूजिक की बात कर लेते हैं, किस तरह के गाने होंगे? और हाँ, पहले तो आप हमें सुना रहे हैं। स्वाति ने बहुत अच्छा, उसका टाइटल सॉन्ग स्वाति के ऊपर ही हम लोग, स्वाति से हमने गवाया है, फिर से और बड़ी अच्छी है, गाई भी है, और बड़ा अच्छा मधुकर जी ने उस गाने को बनाया है, और हमारी बिटिया रवि है, ये हमारे प्रदीप भैया की बेटी है, तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की बेटी है ये, और हमारी शुभकामना है अपनी बेटी के साथ कि हमारी बिटिया इतनी बड़ी नाम करे, और ताकि हम भी इससे मिलने के लिए परमिशन लेकर मिले कि हमारी बिटिया है। तो बड़ी अच्छी खूबसूरत गाई है, और टाइटल सॉन्ग हम लोगों ने इससे गवाया है, और इतना खूबसूरत गाई है ना कि मैं क्या बताऊँ आपसे। मोहल्ला माचिस भी ये गाना जो हम लोगों ने परसों शूट किया वो भी इन्हीं की आवाज़ में है, तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है और बड़ी शिद्दत और बड़ी ईमानदारी के साथ गाती भी है, तो हमारी शुभकामना है अपनी बेटी के साथ, और लेटी चौका के हिस्सा है हमारे लिए, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जीवन में लड़कियों का योगदान बहुत बड़ा होता है, एक माँ के कोख से ही पैदा होकर मैं आज इस जगह पर पहुँचा हूँ, तो हमारे लिए हर लड़की हो या औरत को हमारे लिए सम्मानित है, क्योंकि उनके सम्मान में अगर हम नहीं हैं तो शायद हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही कहा। एक बार टाइटल ट्रैक हमारे लिए फिर से गुनगुनाएंगे? हाँ बिल्कुल गाएंगे, गाओ बेटा। कल जो सॉन्ग शूट हुआ है मैं उसकी दो लाइनें गाती हूँ, सर के साथ डुएट है मेरा। ओके, तो आप मेरे साथ गाएंगे? हाँ प्लीज प्लीज, इससे अच्छा क्या होगा। आप इधर आ जाइए। उम्र मेरा जब से चढ़ गया, जवानी का बारूद बढ़ गया, उम्र मेरा जब से चढ़ गया, जवानी का बारूद बढ़ गया, अरे जिसको भी देखो हर कोई यहाँ मेरे पे मर गया। राकेश त्रिपाठी, ओम झा, मधुकर आनंद,
से लेकर जितने भी मेरे राइटर हैं, जितने भी मनोज टाइगर जी, जिनके इस मनोज भैया ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने माना संजय एक प्रगति है, सबके इतने कम्युनिकेशन है, शायद